आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। निष्पक्ष मतदान कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है, बिना भेदभाव के निष्पक्ष मतदान पूर्ण कराएं सभी मतदान अधिकारी। ये निर्देश आज कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने दिए। 9 अप्रैल को आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को मतदान स्थल के लिए रवाना करते हुए ये निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान में सम्मिलित अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान दी गई जानकारी को मतदान के दिन पूर्णतः अमल में लाया जाएगा। उन्होंने मतदान का समय के संबंध में जानकारी दी। मतदान प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक होगा। 4 बजे तक लाइन में लगे अंतिम मतदाता के मतदान करना सुनिश्चित करें। जिले में कुल 1,351 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 743 पुरुष और 608 महिला मतदाता हैं। मतदान समाप्ति के पश्चात मत पेटिकाओं को सुरक्षित जनपद फरुखाबाद में जमा करवाया जाए। पोलिंग पार्टी रवानगी के दौरान अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार, संबंधित पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी उपस्थित रहे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से जितेंद्र वेदी की रिपोर्ट। जनपद में विधान परिषद चुनाव के लिए कुल हमारे 10 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 8 हमारे जो क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर हैं और 1 केंद्र हमारा गुरसाहिबगंज नगर पालिका में और 1 केंद्र छठिया में है। इस तरह कुल हमारे 10 केंद्र हैं। 1,351 हमारे कुल वोटर हैं। सभी केंद्रों के लिए एक एक गजेटेड अफसर को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, उसके साथ साथ 3-3 और अन्य सहायक लगाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और हर केंद्र पर वीडियो कैमरा रहेगा और सभी केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। हमारी सारी पार्टियां सामान लेने के लिए आज आ गई हैं। सब सामान लेकर के बसों से अपने गंतव्य को जाएंगे और कल चुनाव कराने के बाद सारे बक्से हमारे फरुखाबाद में जाकर के जमा होंगे, क्योंकि काउंटिंग का कार्य फरुखाबाद जिले में होगा। पूरी टीम हमारी लगी हुई है, हर केंद्र पर CPMF लगी हुई है। चुनाव के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। सर, पुलिस बल को भी लगाया गया होगा? हमारे केंद्र की जो व्यवस्था होगी, हमारे CPMF लगेगी हर केंद्र पर। जो बाहरी व्यवस्था होगी उसके लिए हमारी सिविल फोर्स जो अपने जिले की है वो तैनात रहेगी, वो सारी व्यवस्था रहेगी। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभी महकमों को जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस का हाल अभी भी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। यूपी पुलिस के जवान भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में इतनी सख्ती के बावजूद भी चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के कौशाम्बी में देखने को मिला, जहां वर्दीधारी पुलिस कांस्टेबल ओवरलोड बालू के ट्रैक्टर से वसूली करते नजर आए। यूपी के डायल 112 का खुलेआम रिश्वत लेते और दिन दहाड़े वसूली करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली करने के इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कौशाम्बी जनपद के SP ने वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों पर तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी है। अवैध वसूली और घूसखोरी के इस मामले में कोखराज थाना क्षेत्र के डायल 112 की PRV 1201 में तैनात हेड कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल, होमगार्ड और पैसा थाना क्षेत्र के एक कांस्टेबल को SP ने सस्पेंड करते हुए सख्त कार्रवाई की है। घूसखोरी के इस मामले पर SP द्वारा की गई सख्त कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कौशाम्बी से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। पत्रकार एकता। यूपी के बलिया जनपद में पत्रकारों पर गंभीर धाराओं में दर्ज हुए मुकदमों और पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हेतु की गई कार्रवाई से गुस्साए पत्रकारों ने पत्रकार सहायता समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले कन्नौज के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह धुआंधार के नेतृत्व में कन्नौज में दर्जनों पत्रकारों ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कुछ दिनों पूर्व बलिया में अमर उजाला के पत्रकार को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया, जिसको लेकर कन्नौज पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला।
कन्नौज जनपद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह धुआंधार ने कहा कि पत्रकारों के ऊपर लगाए हुए झूठे मुकदमों की स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा जांच कराकर पीड़ित पत्रकारों के ऊपर से झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। अपने पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, यदि ऐसा ना हुआ तो संगठन प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। यूपी में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आई तो अवैध हुई जमीनों पर कब्जों को लेकर बुलडोजर चलना शुरू हो गए। इस क्रम में औरैया जनपद के देवियापुर थाना क्षेत्र के बिझाई गांव का ये मामला है, जहां प्रधान ने ग्राम विकास को लेकर अपने गांव में पंचायत भवन को बनवाने के लिए और पानी की टंकी को लेकर ग्राम समाज की जमीन को चिन्हित किया था, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने वर्षों से उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसको लेकर प्रधान ने ग्राम विकास को लेकर कई बार जमीन को खाली कराने का प्रयास भी किया, लेकिन गाँव के लोग एक होकर विरोध करने लगते हैं और जमीन पर लड़ाई झगड़ा करने लगते थे। ग्राम प्रधान चरण सिंह ने कई बार अधिकारी से शिकायत भी की, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अधिकारी अनसुना कर देते हैं और जमीन की जांच की बात कहकर मामले को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन शासन से सख्त नजर आ रहा है और साथ में अपने बुलडोजर को लेकर चल रहा है। बिझाई गांव में जहां पुलिस प्रशासन के साथ राजस्व टीम एक साथ बुलडोजर को लेकर अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंचे, वर्षों से कब्जाई हुई जमीन को मुक्त कराया, जहां अब गांव के ही ग्राम पंचायत पानी की टंकी का निर्माण शुरू होगा, जो शासन प्रशासन की तरफ से पहले ही स्वीकृत कर दिया गया था। और अयोध्या जनपद की एडीएम रेखा चौहान ने बताया कि कुछ लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था और जमीन के लिए पहले से ही शासन प्रशासन की स्वीकृति पर उस जमीन पर ग्राम पंचायत और पानी की टंकी लगनी है, जिसको लेकर आज राजस्व और पुलिस की टीम ने बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया। आइडियल इंडिया टीवी के लिए औरैया से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। इसमें जीएस लैंड, ग्राम बिझाई में जीएस लैंड पर कब्जा था, प्रधान और बार बार इसकी शिकायत की जा रही थी, तो इसमें जांच हुई तो जांच में पता चला कि लगभग 1.5 बीघा भूमि पर कब्जा था और वो भूमि एक्चुअली चिन्हांकित की कर दी गई थी पहले से ही पंचायत भवन के लिए और प्लस जल निगम की टंकी का भी एक प्रस्ताव जो है पेंडिंग था, तो वहां पर बाकायदा नोटिस वगैरह देते हुए और अतिक्रमण हटाया गया पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा, और उसको अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पर भूमि को सुरक्षित कर लिया गया है और वहां पर प्रधान द्वारा पंचायत सचिव और लेखपाल के द्वारा सम्मिलित टीम के द्वारा वहां पर भूमि पूजन भी कर दिया गया है और इस तरह के जो भी अतिक्रमण होंगे आगे वहां पर इसी तरीके से अभियान चलाते हुए अपनी जमीन सुरक्षित करेंगे। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। फरुखाबाद छिबरा मऊ मार्ग पर डंपर ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से गंभीर रूप से दोनों महिलाएं घायल हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल महिलाओं को सीएससी कमालगंज में भर्ती कराया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने जाम लगा दिया और बवाल किया। जाम को खुलवाने में असमर्थ होने पर थानाध्यक्ष जहानगंज ने लोगों पर लाठीचार्ज की। थानाध्यक्ष का जाम लगाए युवकों पर थप्पड़ों और लातों से मारपीट करता हुआ वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो पर एसपी ने संज्ञान लिया है। सीओ मोहम्मदाबाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। थाना जहानगंज के बस स्टैंड के पास का ये पूरा मामला है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ये थाना जहानगंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में सीओ मोहम्मदाबाद को जाँच दी गई है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन की निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत आज दिग्विजय नाथ स्नातोत्तर महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के 1105 छात्र छात्राओं को निशुल्क स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यूसी सिंह का सबसे पहले उसे कुछ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद उनके द्वारा सभी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया और इस दौरान दिग्विजय नाथ उत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह, नोडल अफसर डॉक्टर परीक्षित सिंह, कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अर्चना सिंह, मीडिया प्रभारी डॉक्टर शैलेश सिंह सहित महाविद्यालय के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए गोरखपुर से अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। आज 1105 ग्रेजुएशन तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, जिसमें बीकॉम, बीएससी, बीए और बीएड के विद्यार्थी हैं, ऐसे 1105 विद्यार्थियों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके में स्किल डेवलपमेंट के लिए और सूचना के संवहन के लिए उनको दक्ष बनाने के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम में
उनको वितरित किया जाएगा। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। जिले में कल होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट से विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और रैया समेत चार जनपदों में फैले निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5,238 मतदाता हैं। फर्रुखाबाद में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या 1,476 है। जिले में मतदान के लिए 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चारों जनपदों में कुल 35 मतदान केंद्र हैं। हर बूथ पर एक एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और 17 बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। जनपद को चार जोन में विभाजित किया गया है। कोई भी शिकायत आने पर कंट्रोल रूम, जोनल मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराया जाएगा। जोनल मजिस्ट्रेट के साथ सीओ और एएसआई समेत कांस्टेबल को लगाया गया है। प्रत्येक बूथ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। 5 क्षेत्राधिकारी और 9 इंस्पेक्टर अलग से लगाए गए हैं। साथ ही थाना क्षेत्र के 9 प्रभारी निरीक्षकों को लगाया गया है। मतदान सकुशल संपन्न हो इसके लिए एक कंपनी बीएसएफ और 394 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। आइडियल इंडिया टीवी के लिए फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। देखिए जो है इसमें फर्रुखाबाद में कुल 9 बूथ हैं और सभी बूथों पर जो है बीएसएफ सहित जो है हमारे फोर्स डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर जो है बीएसएफ सहित 17 हमारे फोर्स के लोग रहेंगे, जिसमें जो है एसआई लेवल के हैं लोग हैं, महिला एसआई हैं, हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल हैं और महिला कांस्टेबल हैं। इसके अलावा जो है प्रत्येक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ जो है एसएचओ लगे हुए हैं। एसएचओ के साथ साथ उनके साथ जो है कांस्टेबल सभी बूथों पर चार चार लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ सीओ लगे हुए हैं, सीओ के साथ जो है एसआई लगे हुए हैं और उसके साथ साथ जो है कांस्टेबल लगे हुए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं सर? पोलिंग पार्टियां बस अभी रवाना की स्थिति में आ गई है, अभी जस्ट हम लोग 30 मिनट में रवाना कर। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कस्बे में चल रहे महोत्सव में युवाओं की जुगलबंदी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। युगल प्रतियोगिताओं में जमकर थिरके युवा और नगर के हीरालाल कॉलेज खेल मैदान में 17 अप्रैल तक चलने वाले छिबरामऊ महोत्सव के सांस्कृतिक पंडाल में टैलेंट खोज प्रतियोगिता के अंतर्गत डबल फॉर्म वाले आयोजन किए गए। युवाओं की जुगलबंदी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया और मंच व्यवस्थापक आयुष पाल ने बताया कि यंगर ग्रुप में कुल 27 जोड़ों ने पंजीकरण कराया, जिसमें चुने हुए जोड़ी बीच लाइव ऑडिशन हुआ। शिवम और राहुल की जोड़ी ने खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, चंचल तिवारी और रफीत ने बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जिशान और सद्दाम ने बड़े काम का बंदर मारे तो धर्मेंद्र, प्राथमिक विद्यालय के सुनील और रानू ने मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो गाने पर प्रस्तुति देकर निर्णायक मंडल के हर्षदीप हरिओम शर्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्थापक गौरव अमर त्रिपाठी, प्रणव नदीम आदि लोग इस व्यवस्था के सहयोग में मौजूद रहे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए जितेंद्र वेरी की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में आग लग गई है और भीषण गर्मी के प्रकोप से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में लगातार आग लगना जारी है। 15 बीघे फसल गेहूं की जलकर राख हो गई है और गांव के 6 किसानों की फसल जल गई है। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग की तेज लपटों के सामने सभी असफल नजर आए। फायर विभाग का नंबर नहीं मिला, जिससे समस्या और बढ़ गई। गर्मी के मौसम में आए दिन खेतों की खड़ी फसलों में आग लग रही है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। शिवली कोतवाली क्षेत्र के भाऊपुर का ये पूरा मामला है। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव में इनोवा और मोटरसाइकिल के आमने सामने की हुई टक्कर में 3 मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत म्योरपुर थाने में सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने तीनों घायलों को अपनी गाड़ी से आनंद फानंद में सीएससी म्योरपुर पहुंचाया, जहां 2 लोगों को प्रथम उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि 1 युवक का इलाज सीएससी में ही चल रहा था, जिसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों थाना क्षेत्र के डडीहरा गांव में अपनी बहन से मिलने गए थे और बहन के घर से वापस अपने गांव जा रहे थे, इस दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले तीनों मोटरसाइकिल सवार युवक ट्रक से ओवरटेक कर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामने से आ रही इनोवा कार से
उनकी टक्कर होती है, जिस कारण दोनों बाइक सवार रोड पर गिर गए और गिरते ही पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। म्योरपुर CSC अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि एक की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि घायल अजय की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने दुर्घटना का कारण बनी इनोवा कार को पकड़ लिया है, जबकि ट्रक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। आइडियल इंडिया टीवी के लिए विकास कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, दो लोग देवरी में एक्सीडेंट हुआ था, एक का नाम अमित था, एक का नाम अजय था। अमित को हेड इंजरी थी, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थिति जो कि अति गंभीर थी, बचने के चांसेस कम थे, तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के साथ उसको हमने भेजा। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।